नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सब। एमालेक सहमति बिना संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करब सत्तारूढ़ दल आ मध्य केंद्रीय दलक निर्णय। सड़क निर्माण के मांग करे जनकपुरक विश्वकर्मा चौक में स्थानीय वासी सब फिर आंदोलन जारी रखलक दिन भर सड़क अवरुद्ध। सांसद सबक तलब भत्ता बढ़ाओल गेला पर काठमांडू में विद्यार्थी सब करक विरोध, पारित विधेयक फिरता लेब के मांग। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के डीन सिंहक राजीनामा के मांग करे मेडिकल विद्यार्थी सब त्रिभुवन विश्वविद्यालय घेराव। आ इजिप्ट में भेटल 7000 वर्ष पुरान शहर। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के चेतावनी के बावजूद सरकार संविधान संशोधन के प्रस्ताव दर्ता कराब वाला है। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भेल तो सदन भीतर आ बाहर आंदोलन बढ़ाव के प्रतिपक्षी दल के चेतावनी के बावजूद सरकार सत्ता साझेदार दल आ मधेसी मोर्चा बीचक सहमति के आधार में संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता कर के निर्णय में पहुंचल है। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में बुध दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल सत्तारूढ़ दल आ मधेसी मोर्चा संग छलफल कर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता कर के निर्णय में पहुंचल जात। बैसार में प्रधानमंत्री दहाल मोर्चा के मांग संबोधन होब जका संविधान संशोधन दर्ता कराब के जानकारी से कराने जात। वो संविधान के स्वीकार्यता के सहज बनाव सीमांकन भाषा राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व आ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विषय समेट कर संशोधन दर्ता कराब के बतौलन है। सीमांकन के विषय में सरकार में सहभागी दल सब से एकमत नहीं भेला से संविधान कार्यान्वयन आ स्थानीय तह के निर्वाचन के वातावरण बनाब मोर्चा के नोट ऑफ डिसेंट लिख कर हैत। तैयो सहमति में आब प्रधानमंत्री दहाल आग्रह कने छलथ। बैसार में संविधान में भेल व्यवस्था अनुसार नवलपुर आ परासी के यथावत रखितो गुलमी पाल्पा अर्घाखाँची प्यूठान आ रोल्पा के एकटा प्रदेश में राख के सहमति भेल। नेपाली कांग्रेसक नेता एवं भौतिक पूर्वाधार मंत्री रमेश लेखक सरकार असंतुष्ट मधेसी मोर्चा के मांग संबोधन होब जका संविधान संशोधन के प्रस्ताव आगू बढ़ाब के बतौलन। मंत्री लेखक संविधान के स्वीकार्यता बढ़ाब मोर्चा के मांग एकमुष्ट रूप में समाधान कर जका संशोधन दर्ता कराब के सहमति भेल जानकारी दिलथ। नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र मधेसी मोर्चा को सब नेताहरुको बीच में चाहिँ त सौहार्दपूर्ण छलफल भएको छ र सकारात्मक छलफल भएको छ। यसले अब के भने अब यो संविधान को स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचन गर्ने दिशातर्फ मुलुक जाने एउटा वातावरण बन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ त सहमति भएको छ र संविधानमा परिमार्जन गर्ने केही विषयहरूमा अहिलेसम्म जसरी उठ्दै आएका विषयहरू तिनमा परिमार्जन गर्ने संशोधन गर्ने कुराको बारेमा नै छलफल केन्द्रित भएको छ र सकारात्मक छलफल। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता वर्षमान पुन स्थानीय निकाय के सीमांकन के विवाद सर्वसाधारण के भावना अनुसार छलफल करे जाके आ संविधान के सर्वस्वीकार्यता के आगू बढ़ाव के सहमति बैसार में भेल जानकारी दिलथ। वो सीमांकन के संवेदनशीलता के देख कर सरकार सीमा निर्धारण कर के तथा वैवाहिक अंगीकृत महिला के नागरिकता के विषय में मात्र विवाद रहला से संघीय आयोग गठन कर क्षेत्राधिकार बढ़ाकर समस्या समाधान कर के सहमति भेल उल्लेख कलन। भाषा संबंधी विषय त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय र नागरिकताको विषय लगायतका विषयहरू र अरू कतिपय प्राविधिक विषयहरू जो नियमित रूपले संविधानमा कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका प्राविधिक विषयहरूसहित समेटेर संशोधन प्रस्ताव छिटै दर्ता हो। कङ्ग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको क्रममा 7 प्रदेशको एउटा खाका प्रस्तुत गरेको थियो। मुख्य आधार त्यसलाई बनाएर प्रस्ताव जान्छ। मुख्य आधार भन्नाले नवलपरासी नवलपुर र परासीको रूपमा पहिले नै संविधानमा व्यवस्था भइसकेका हुनाले सायद त्यसमा चाहिँ त्यही रूपमा जान्छ, त्यसलाई फेरि चलाउने हुँदैन। त्यसै गरी त्यतिखेर रोल्पा र प्युठानलाई त्यतिखेरको 6 प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिले 5 नम्बर प्रदेशका पहाड एकै ठाउँ जान्छ, जुन ठाउँ गए पनि एकै ठाउँ रहने गरी जान्छ। गुल्मी पाल्पा अर्घाखाँची रोल्पा र प्युठान एउटै प्रदेशमा राखिन्छ, त्यो अलग अलग हुँदैन। चार वा छमा जान्छ या चाहिँ अब अलग प्रदेश पनि हुनसक्छ, त्यो त छलफल छ, तर मोटामोटी रूपमा त्यस एकै ठाउँ रहन्छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीक वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी माघ सम्बोधन विषयमा ठोस सहमति नै भेल होइतो
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं संशोधन दर्ता गरब बताउने उल्लेख कलेथ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकको सवालमै अन्तरिम संविधानमै उल्लेख भए अनुसारै व्यवस्था गरजाका संशोधन गराब कहिक आश्वासन अपने पर्ने ओ जानकारी दिलेथ। वचनबद्धता के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले समय घरकै कुनाले मेरो तर्फबाट उहाँले भन्नुभयो संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँछु, तपाईँले ल्याउनुहोस् त सही, कमसेकम यो त सुन्दा सुन्दै हामी बुढो भइ उनलाइसक्यौँ। संसद यो कहिले भारत जानु अगाडि भन्नुहुन्छ, कहिले भारतबाट फर्केपछि, कहिले दसैँको बेलामा, कहिले छठमा, अहिले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ हामी सुन्यौँ दर्ता गराउनुहोस् तपाईँ। पहिलेदेखि भनिराख्नु भएको छ चारवटा विषयमा प्रस्ताव संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँछ, सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, भाषा र नागरिकतामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा। त्यो पहिलेदेखि नै भनिराख्नु भएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत भनेको अन्तरिम संविधानमा जे जसरी लेखिया छ नि व्यवस्था, त्यसै अनुसार अगाडि बढाउनु वैवाहिक अङ्गीकृत भनेको। बैसारमै तमलोपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठी, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो लगायत नेता सब सहभागी छलथ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैसारमै सहभागी नै भेलथ। सरकार ऐसा आगू प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग बेर बेर केने छलफलमै संविधान संशोधनमै सहमति निजुटलाके बाद मधेसी मोर्चाकै सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराबके तयारी चलकै छ। सरकार दुई तिन दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराबके तयारी केने सेहो नेतासब बताउने छ। सड़क निर्माण के मांग करे जनकपुर के विश्वकर्मा चौक में स्थानीय वासी सब काल से सड़क अवरुद्ध कलक। जनकपुरक जीरो माइल मुरली चौक सड़क खंड निर्माण के मांग करे स्थानीय वासी आठम बेर आंदोलन में उतरल वो सब काल से विश्वकर्मा चौक में भिनसरे से सड़क जाम का प्रदर्शन केने छल। सरकारी पक्ष अपना सब संग बेर बेर सहमति करतो कार्यान्वयन नहीं केने वो सब उपराग देने छ। तीन दिन भऽ गेलै, तेसरो दिन चलि रहल छै, अखन धरि कोनो किसिमके सम्बन्ध निकायसँ कोनो किसिमके पहल नहि भेलै। आन्दोलनकारी काल्हि भिनसर 7 बजेसँ 7:30 बजे धरि सड़क अवरुद्ध केने छल। ओ सब सड़क निर्माण नहि होबय धरि आन्दोलन जारी राखक चेतावनी सेहो देने अछि। मधेसी के अपमान करके क्रम अखनो रुकल नहीं है। पहचान, सम्मान, समानता आ अधिकार के लिए संघर्षरत मधेसी सब कोनो न कोनो रूप में अपमान के सामना कर पड़ रहा है। अपमान करे वाला आ अपमानित होवे वाला सब साधारण मात्र नहीं है कि उच्च अवधा में पहुंचल सबसे हो छत। एक रिपोर्ट। 250 वर्ष से अपने देश में दोसर दर्जाक नागरिक बनकर रह पड़ल कहित मधेसी सब बेर बेर आंदोलन कलक। अखनो कोनो न कोनो रूप में मधेसी सब संघर्ष करते आयल है, तैयो अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल होब नहीं सकल। मधेसी सबके एक एक किसिमक मांग लेल बेर बेर आंदोलन कर पड़ रहा है। ओना त आंदोलन सबसे मधेसी पहचान पौने अछि। मधेसी सब अखन गर्व के साथ कहे छे हम मधेसी छी, मुदा किछ व्यक्ति के मधेसी सबक ई उपलब्धियो नहीं पचल अछि। ओ सब मधेसी के रंग पहिरन, भाषा के संगे परंपरा आ संस्कृति ऊपर प्रहार करते आयल अछि। ओ सब एकेटा भाषा, एकेटा भेषक महेंद्रकालीन सिद्धांत स्थापित कर चाहि रहल अछि। मधेस आंदोलन उत्कर्ष में रहल समय में मधेसी सपूत शहादत दऽ रहल समय में दू चारिटा आम झड़ले पर किछु नहि भऽ सकबा कहि कऽ अभिव्यक्ति देबाक काज कयल गेल। मेची सब महाकाली धरि भेल मानव सिकड़ी के माखे सांगलो कहि कऽ मधेसी के अपमान कयल गेल। कहियो मधेस प्रदेश चाहि त यूपी आ बिहार जाऊ कहि कऽ आत्मसम्मान में चोट पुगेबाक काज कयल गेल। एना कऽ मधेसी के अपमान करबाक क्रम मधेस आंदोलन के बाद सेहो नहि रुकल, ई क्रम अखनो जारी अछि। कारी वर्णक मधेसी कारी दिवस मनाब चाहि कऽ अपने के अपमान कर खोजल गेल कहि कऽ रंगभेदी अभिव्यक्ति देल गेल, मुदा अखनो मधेसी के अपमानित करबाक क्रम में लगाम नहि लागल बात पछिला दूटा घटना सेहो पुष्टि कयलक अछि। अघन 5 गते काठमांडू में भेल एक कार्यक्रम में गृह मंत्री बिमलेन निधि के भाषा के विषय के लक अपमानित कयल गेल। बहुत भारतीय अतिथि उपस्थित रहल कार्यक्रम में हिंदी में भाषण कर खोजत काल नेपालिये में बाजे पड़त कह कर दबाव देबा काज कयल गेल। ओना तो ओ ककरो दबाव में नहीं पड़ नेपाली आ हिंदी दुनू भाषा में भाषण कयने छलथि। पहिले म नेपालीमा बस्छु, अझ हिन्दी आउँछ, नसुने भए भय आउँछ। म
नेपालीमा पनि बोल्छु, पाहुनाहरू हिन्दी भाषा भाषी देश बोल्नु छ उहाँको भाषा बोल्नु। सम्मेलनमा भन्नुहोस् त तपाईँहरू संकुचित नबोल्नु, अतिथिलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। म नेपालीमा पनि बोल्छु र पाहुनाहरूलाई हिन्दीमा बोल्छु, तपाईँहरूले धेरै कुरा नबोल्नुहोस्। एना क कहियो भाषा त कहियो पहिरनक नामे मधेसी के अपमान सह पड़ि रहल अछि। भाषा के कारण गृह मंत्री निधि अपमानित हो पड़ल दू दिन पहिने मात्रे पहिरनक विषय के लक मधेसी महिला के अपमानित कयल गेल। अगहन तीन गते सप्तरी में भेल एकटा कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की मधेसी महिला घोघ भीतर रहले के कारण समानुपातिक समावेशी पहुँच पाब नहि सकल, जेहन आशय के अभिव्यक्ति देने छलथि। त्यो समानुपातिक समावेशीको कुरा चाहिँ हुन त मैले यसरी बोल्ने गरेको छैन कहीँ पनि, तपाईँहरूले आज मलाई बाध्य बनाउनु हो। खास कुरो के हो भनेदेखि मैले सबै कुरो भनेर हुँदैन, समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ, नहुने होइन। किन कानुन र संविधानले दिएपछि त समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ। अब महिलाहरू भएन भनिन्छ भने महिलालाई घुम्टो ओढाएर चाहिँ पढाउँदै नपढाएर राख्ने, फेरि त्यहाँनिर चाहिँ गएर समानुपातिक समावेशी भएन भनेर किन कराउनु? प्रधान न्यायाधीशक यी अभिव्यक्ति के अखन चौतर्फी विरोध भ रहल अछि। ई तऽ उदाहरण घटना सब मात्र अछि, मुदा आम मधेसी एनाक दैनिक जीवन में कतेक अपमान भोग रहल अछि ई बात के सहजे अनुमान लगाओल जा सकैए। तैं कागज में नया संविधान बनाकर वा संविधान संशोधन कऽ कऽ मात्र साझा नेपाल निर्माण नहि भऽ सकबा में सब सचेत होयब आवश्यक अछि। साझा नेपाल निर्माणक लेल पहिने मन वचन कर्म व्यवहार प्रवृत्ति आ सोच में परिवर्तन आनब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली जनकपुर। राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी एमआरए संघीयता सहित के वर्तमान संविधान लागू करे के पक्ष में नहीं रहला से वर्तमान अवस्था उत्पन्न भेल पतौले नहीं छ। संविधान संघीयता आ समावेशिता के पक्ष में बेर बेर एमआलए आ खास कर केपी शर्मा ओली विवादास्पद टीका टिप्पणी करते अला से अड़ान लेत आयल बाद से एमआलए संघीयता आ समानुपातिक समावेशिता के पक्ष में नहीं देखल गेल स्पष्ट भेल भंडारी के कहब छन। प्रश्न आ रहा है कि संविधान के बारे में संघीयता के प्रश्न, समावेशिता के प्रश्न, इस सब प्रश्न में बार बार नेकपा एमाले के विशेष करके पी ओली जी के विगत में भी देखल गई है कि हमारा सबके एजेंडे नहीं छी, और अभी की स्थिति में सब देखल कि संविधान संशोधन बिना संविधान लागू नहीं भ सके छै, और संविधान लागू नहीं भ सके छै तो निश्चित रूप में संघीयता नहीं रहती। अभी घुमा फेरा के हम सब की देखे कि शायद नेकपा एमाले इस संविधान गणतंत्र निर्माता है, फिर भी संविधान के पक्ष में नेकपा एमाले नहीं है, जहां परिस्थिति देखा पा रहे हैं। धनसा के भटियान में आयोजित कार्यकर्ता प्रवेश तथा भेटघाट कार्यक्रम के संबोधन कर ओहिठाम पहुंचल रामसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भंडारी मधेश के मसीहा कहे वाला कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र मधेश प्रति उदार रहल रहे त अखन के अवस्था नहीं अबैत दुनू पार्टी ईमानदार नहीं रहल बताने छल। माओवादी मधेश के मुद्दा पर अगर ईमानदार रहती तो नौबते नहीं, संविधान मधेश और जनजाति के पक्ष में ही बनती। लेकिन अभी कांग्रेस माओवादी जो अभी हस्ताक्षर जो कहने हैं, समझौता जो कहने हैं, हम सब उस समझौता के पालन करने के लिए कांग्रेस माओवादी कह रहे हैं, और कांग्रेस माओवादी समझौते के आधार पर ये प्रस्ताव संसद में ले रहे हैं। कार्यक्रम में विभिन्न पार्टी परित्याग कर दर्जनों व्यक्ति सब रामसभा में प्रवेश करने आए छ। कार्यक्रम में सांसद दिनेश शाह, नेता ज्ञानेन्द्र झा, ज्ञानु मुनिदास सहित उपस्थिति छल। एकीकरण के बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी पहिल बैसार बैसल है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आ राप्रपा नेपाल बीच एकीकरण भव बनल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बुध दिन पहिल बैसार बैसल है। बैसार में राप्रपा का अध्यक्ष कमल थापा पेश केने समसामयिक राजनीतिक विषय के प्रतिवेदन ऊपर छलफल भेल। केन्द्रीय समिति बैसार में अध्यक्ष थापा के प्रतिवेदन ऊपर 36 गोटे केन्द्रीय सदस्य धारणा रखने छत। केन्द्रीय सदस्य सब पार्टी के महाधिवेशन, निचला तह देख संगठन एकीकरण, संविधान संशोधन लगायत विषय में विचार रखने छत। 250 सदस्य केन्द्रीय समिति के बैसार आईसी हो बैसत। बुध दिन पहल दिन 40 से बेसी सदस्य सब धारणा रखने छलत। बीतल सोम दिन से राजधानी में विशेष समारोह के बीच राप्रपा नेपाल आ राप्रपा एकीकरण भेल घोषणा कयल गेल छल। एकीकृत राप्रपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सत। एकीकरण होते वही दिन राप्रपा निर्वाचन आयोग एन 2063 के धारा 22 के उपधारा एक बमोजिम दलदाता के निवेदन से द चुकल। सांसद सबक तलब भत्ता वृद्धि के विरोध में विभिन्न विद्यार्थी संगठन राजधानी में प्रदर्शन कलक।
संसद सभक सुविधा कटौती कर के भाग करते बुधदिन काठमांडू के रत्न पार्क स्थित शांति पाटिका में विरोध प्रदर्शन कने अच्छे। प्रदर्शन के बाद आयोजित गौण सभा के संबोधन करते विद्यार्थी नेता सब तत्काल संसद के तलब भत्ता वृद्धि कर सांसद सबके तलब भत्ता वृद्धि कर स्वीकृति भेल विधेयक फिरता लेब सरकार के चेतावनी दिलक अच्छे। नेपाल विद्यार्थी संघक अध्यक्ष नैन सिंह महर जनता पीड़ा में रहल समय में सांसद सबके तलब भत्ता वृद्धि भेनाई आपत्तिजनक रहल कहत फिरता नहीं होब धर आंदोलन जारी राखब बतौने छत। वो देश के समृद्ध बनाब के समय में सांसद सब अपने सेवा में सेवा सुविधा वृद्धि में केन्द्रित रहला से आक्रोश व्यक्त कने छत। अनेरा सोवी के अध्यक्ष नवीना लामा भूकंप पीड़ित भूकंप सेहो जनता के आहत बना रहल समय में सांसद सबके तरह भत्ता वृद्धि कैल गेल कहत आक्रोश व्यक्त कर लागि पठाएका सांसदहरू देशको नीति नियम बनाउनका लागि पठाएका सांसदहरूले बडो बेमौसमी बाजा बजाएर आफ्नो तलब आफै बढाएको परिस्थिति छ। यसको खिलाफमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन छ। संविधानलाई संस्थागत गर्ने कुरालाई थाती राखेर विनाशकारी भूकम्प पीडित खुल्ला आकाशमुनि सुतेका जनताहरूलाई साँच्चै भोकै नाङ्गै राखेर जुन अहिले जुन खालको चाहिँ संसदको विधेयक पास गरेको छ यो अत्यन्तै जनविरोधी छ, यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती कदम छ। यसको घोर आपत्ति र घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण हामीले यो संसदले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। संघीय संसदकै पदाधिकारी या सदस्य सभक पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धमै व्यवस्था गर बनल विधेयकमै सांसद सबके तलब भत्ता एक लाख से बेसी व्यवस्था करतो विभिन्न क्षेत्र से वही के विरोध भ रहा है। विद्यार्थी संगठन सब से हो तलब भत्ता वृद्धि के विरोध में संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम सब शुरू कने। चिकित्सा शास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी के संगठन नेपाल मेडिकल स्टूडेंट सोसाइटी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के डीन डाक्टर एपी सिंह के राजीनामा के मांग करे त्रिभुवन विश्वविद्यालय घेराव कलक। वरिष्ठ चिकित्सक अध्ययनरत डाक्टर गोविंद केसी रखने मांग सरकार व्यवस्था कला के बाद नेपाल मेडिकल स्टूडेंट सोसाइटी वह मांग आगू रखत आंदोलन में उतरल। मंगल दिन संस्थान के डीन सिंह के कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन केने संगठन बुध के भिनसर में कीर्तिपुर स्थित त्रिवी कार्यालय के उपकुलपति तीर्थखानिया के कार्यकक्ष घेराव कने। संस्थान के भलाई आ गुणस्तरीय चिकित्सक चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा में आम नेपाली के पहुंच स्थापित कर के अभियान के सफल बनाब से सिंह पद से राजीनामा देव पड़त संगठन के अध्यक्ष डाक्टर सागर पोखरल बतौलन। वो चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान में बड़का धनराशि रहल देखला के बाद लूट मचाव डीन कार्यालय अपने लाइक पड़ल दावी करे वो प्रयास सफल होबर नहीं देव चेतावनी देने छत। नया मेडिकल कॉलेज के संबंधन देव के आ एमबीबीएस के विद्यार्थी भर्ना में होताल अनियमितता नहीं रुकल गल देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प कर के चेतावनी से दिलत। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न संस्थानहरू छन्, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान छ, एग्रिकल्चर अध्ययन संस्थान छ, अरू विभिन्न एजुकेसन छ, आर्ट्स छ, थुप्रै छ, तर बारम्बार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमाथि मात्र आक्रमण किन, त्यो निकै रहस्यमय बनेको छ। यो आक्रमण किन एउटै कारणले गर्दाखेरि छ, किन भन्दा चिकित्सा शिक्षामा बढी पैसा छ, त्यहाँ बढी लुट्न पाइन्छ, त्यहाँ बढी ठग्न पाइन्छ, त्यही भएर मात्रै उनीहरूले बढी त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न खोजेका हुन्। तसर्थ अब हाम्रो माग भनेको चाहिँ एक नम्बरमा वरिष्ठताको आधारमा दिन नियुक्ति गर्नुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा त्रिवी उपकुलपतिको राजीनामा बर्खास्ती हुनैपर्छ, र तेस्रो कुरा आइएमलाई स्वायत्त गराउनुपर्छ। डाक्टर केसी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमै होवला अनियमितता अन्त्य गरेर माग गरेर दसौँ बेर आमरण अनसनमै बसल छत्। नेपाल युनेस्को आयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिक लेल सरकारवाला सबसँग छलफल कलकै छ। युनेस्को विद्यालय स्तरमै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भेल क्रियाकलापके विषयमै छलफल कने अछि। जनकपुरमै सुरु छलफलमै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणके लेल विद्यालय तहके विद्यार्थी सबके जानकारी देबके सँगै अखन धरि भ रहल प्रयासके बारेमे समीक्षा कयल जायत। नीति त्यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी के कस्ता गतिविधि रहेको छ त्यसले एउटा जानकारी प्राप्त हुने हो, र यसमा न्यूनीकरणको लागि त्यो प्रेरित हुनेछ भन्ने उद्देश्य हाम्रो छ। यो साथै साथै हामी अझ के बताउन लागेको, यो शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने र सरकार राख्ने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जमघट छ। त्यस कारणले अहिलेसम्म भर्खर 2000 अब हामीलाई
सजग भएर के कस्तो गतिविधि अपनाएपछि जलवायु परिवर्तनको पनि असर पनि न्यूनीकरण हो र बेटर हाम्रो क्वालिटी एजुकेसन प्राप्त हुने हो भने हामी एउटा सन्देश दिन खोज्नको लागि यहाँ आएको हो। साथै आजसम्म युनेस्कोको धनुषामा कुनै कार्यक्रम भएको छैन, त्यसकारणले हामी सेलेक्सन गरेर धनुषावासी यो पनि जानुहोस् कि युनेस्को हामीसँग नै सहकार्य गर्ने नेपाल सरकारको एउटा संस्था हो। छलफलमा धनुषा महतारी, सर्लाही, सिन्धुली आ रामेछाप जिल्लाके शिक्षा कार्यालयके कार्यक्रम अधिकृत प्रधान अध्यापक, व्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष, विद्यार्थी लगायतको उपस्थिति छ। छलफल तीन दिन धरि चलत। आप इन्टरनेशनल न्यूज। इजिप्टमै पुरातत्त्वविद 7000 वर्ष पुरान शहर तकलकै छ। नाइल नदी सँगै रहल लक्सर शहरसँग जोडल गेल क्षेत्रमा केने उत्खननके क्रममा पुरातत्त्वविद सब घर, लोहाके हतियार, बर्तन सहित 15 नम्हर पिरामिड भेटलै छ। लक्सर शहरके प्रसिद्ध सेती मन्दिरके नजदिकमै पुरान बस्ती भेटलै छ। यी बस्ती ओही समयके प्रमुख अधिकारी तथा पिरामिड बनावके व्यक्तिके होव सकके पुरातत्त्वविद सब बताउने छ। प्राचीन इजिप्टके शुरुआतके बाद चरणमै यही बस्तीमै लोकसभाक बसोबास रहल अनुमान कयल गेल छ। इजिप्ट के विशाल पिरामिड विश्वभर के पर्यटक आकर्षित करते हैं। पिरामिड में विशिष्ट व्यक्ति के उसब ओकर सबक निधन के बाद तेल तथा विशेष मसाला से घेर कर राखल गेल होते हैं। मुदा सन 2011 से चलल संघर्ष के कारण इजिप्ट के पर्यटन में असर पड़ल है। नया भेटल बस्ती से आधुनिक इजिप्ट के विकास के आधार खोज सहयोग पहुंचत पुरातत्वविद सब बताने। अंत में हेडलाइन से एक बार फिर से। एमाले के सहमति बिना संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता कयल जात। सत्तारूढ़ दल आ मधेश केन्द्रीय दल के निर्णय। सड़क निर्माण के मांग करे जनकपुरक विश्वकर्मा चौक में स्थानीय वासी सब आंदोलन जारी रखलक। दिन भर सड़क अवरुद्ध कलक। सांसद सबक तरह भत्ता बढ़ाओल गेला पर काठमांडू में विद्यार्थी सब सब विरोध। पारित विधेयक फिरता लेबक के मांग। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान के डीन सिंहक राजीनामा के मांग करे मेडिकल विद्यार्थी सब त्रिभुवन विश्वविद्यालय घेराव। आ इजिप्ट में भेटल 7000 वर्ष पुरान शहर। अपन ही सखन के लिए लगभग पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।